यूपी में हुए पंचायत चुनावों के नतीजे आ चुके हैं। इसके बाद न्यूज 18 ने रिपोर्ट किया कि बहराइच के रुपईडीहा बाजार में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। चैनल के मुताबिक एक प्रत्याशी के जीतने के बाद समर्थकों की भीड़ ने जुलूस निकाला और आपत्तिजनक नारेबाजी की। असल में बहराइच की केवलपुर ग्राम सभा सीट से हाजी अब्दुल कलीम जीते हैं। आप न्यूज 18 की रिपोर्ट देखिए। बहराइच से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे हैं और ये विजय जुलूस प्रधानी में जीत के बाद निकाला गया था, लेकिन इस विजय जुलूस में विवादित नारे लगाए गए हैं। न्यूज 18 ने इस कथित खबर को अपनी वेबसाइट पर भी पब्लिश किया और सिर्फ न्यूज 18 ही नहीं, जागरण ने भी यही दावा किया। जागरण ने हेडिंग लिखी थी, बहराइच में नेपाल सीमा पर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल। लेकिन अब दैनिक जागरण ने यह आर्टिकल हटा लिया है। यहीं दर्शकों को यह भी बता दें कि जागरण ग्रुप का एक फैक्ट चेकिंग विंग भी है, जिसका नाम है विश्वास न्यूज, और ये विश्वास न्यूज IFCN यानी इंटरनेशनल फैक्ट चेकिंग नेटवर्क से सर्टिफाइड भी है। इस पाकिस्तान जिंदाबाद के कथित नारे की सच्चाई क्या है? इसकी सच्चाई यह है कि वहां पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं बल्कि हाजी साहब जिंदाबाद के नारे लगे थे। जब वहां लोगों को मालूम पड़ा कि हाजी अब्दुल कलीम जीते हैं, तो सड़क पर उनके समर्थकों ने हाजी साहब जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। न्यूज 18 और जागरण को यह पाकिस्तान जिंदाबाद सुनाई दे गया और उन्होंने बगैर तथ्यों को जांचे रिपोर्ट भी कर दिया। आपको यह भी बता दें कि समर्थकों की इस भारी भीड़ का पुलिस ने संज्ञान लिया और कोविड प्रोटोकॉल तोड़ने पर 100 अज्ञात और एक नामजद व्यक्ति के खिलाफ केस भी दर्ज किया है। इसके बाद 6 मई को बहराइच पुलिस ने भी ट्वीट करके बताया कि पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा नहीं बल्कि प्रत्याशी के नाम का नारा लगाया जा रहा था, हाजी साहब जिंदाबाद। पुलिस ने यह भी कहा कि इस वीडियो में जो आवाज है उसे सुनते ही साफ साफ मालूम पड़ रहा है कि असल में बोला क्या जा रहा है। ऐसा पहली बार नहीं है जब मीडिया आउटलेट्स या सोशल मीडिया यूजर्स ने समर्थकों के नारों को पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा बताया हो। इससे पहले AIUDF समर्थकों द्वारा लगाए गए अजीज खान जिंदाबाद के नारों को मीडिया ने पाकिस्तान जिंदाबाद सुन लिया था। दिसंबर 2019 में भी काशिफ साहब जिंदाबाद को आउटलेट्स ने प्रो पाकिस्तानी नारा बताया था। ऐसा बार बार होना यह दर्शाता है कि न्यूज चैनल्स या अखबार या न्यूज वेबसाइट्स असल में क्या सुनने की अपेक्षा रखते हैं और सांप्रदायिक रंग वाली कथित खबरों को चलाने की हड़बड़ाहट में वो तथ्यों पर नजर फेरने की जहमत भी नहीं उठाते।